अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का मंदिर सिर्फ लोगों के सालों के इंतजार या सिर्फ लोगों के सालों के संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि उनकी उस आस्था का केंद्र भी है जिसे उन्होंने पूरे निस्वार्थ भाव से निभाया है। इसके हमें कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम हैं, जिन्होंने श्री राम मंदिर के लिए अदालत के निर्णय आने से पहले ही अपनी 16 बिस्वा जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। शायद वो जिले और प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही ये दान दिया और उन्हें अब मंदिर निर्माण के लिए पहले दानदाता के रूप में जाना गया है। बता दें कि शहर के सियाराम कॉलोनी के रहने वाले सियाराम उमर वैश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अक्टूबर 2018 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उन्होंने ये धनराशि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत को दी थी। उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो पहले दानदाता है। सियाराम ने यह संकल्प लिया था कि वो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान देंगे। इसके लिए धन जुटाने को उन्होंने अपनी 16 बिस्वा जमीन बेचने के बाद जब पैसे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने अपनी बहू बेटी और रिश्तेदारों से भी करीब 15 लाख रुपए उधार लिए। इस तरह से उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और 20 नवंबर 2018 को राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए। 12 वर्ष की उम्र से राम के भक्त जी। हाँ, जब ये सुना कि मंदिर बनने वाला है, ये सुना तो हमारे मन में आया कि हम रहें ना रहें पता नहीं, तो हमारे पास जो भी पैसा था जमीन बेच करके और कुछ सहयोग ले करके, तो हमने 1 करोड़ रुपया राम मंदिर में दिया कि राम को दे रहे हैं, बनेगा आज नहीं कल बनेगा, विश्वास था हमें मंदिर बनने बनना है, क्योंकि हम संघ के स्वयंसेवक हैं और हम जानते हैं संघ की महिमा को जानते हैं। संघ चाहता तो उसी वक्त एक दिन में मंदिर बनवा सकता था, मगर संघ ने ऐसा काम नहीं किया जिससे खून खराब हो, कोई परेशानी हो लोगों को, न्यायालय से आदेश आ जाए तो करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस समय हमको पता कि अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगर हम नहीं कर दिए पता नहीं हम रहेंगे ना रहें, ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे पास जो पैसा में 16 बिस्वा जमीन थी उसको बेचा और 2 बिस्वा एक बेच कर 15 लाख कम पड़ रहा था, 15 लाख हमने अपने दामाद से, अपने बिटिया से, अपने बेटवा से और बहू से सबसे सहयोग 2-2 लाख 4 लाख जो था पूरा करके दे दिया। उसके बाद जो है हमने लोगों का पैसा भी वापस ले लिया और सबके राम धाम में लग गया। इन लोगों का भी उसमें पूरा सहयोग है और हमारे बाकी जो कुछ किया इस संघ के लिए। आज जस्ट मैं हूँ 20 साल मैं संघ का जिला संचालक यहाँ रहा और 2 साल प्रचारक रहा फूलपुर तहसील में, तो उसकी देन है कि वो हमको संघ ने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं ये ईश्वरी कार्य है, तो ईश्वरी कार्य हमने समझ किया, तो ईश्वर ने हमारी सारी मदद ये किया, हमारा पैसा उन्होंने लिया। आने वाले 22 जनवरी 2023 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उससे पहले सियाराम गुप्ता को भी फोन पर आमंत्रण भेजा गया, हालांकि उन्हें पत्र अभी तक नहीं मिला है। सियाराम श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ में प्रयागराज रोड पर एक मंदिर का निर्माण करवाया है और यहीं रहकर पूजा अर्चना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर परिवार के लोग भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी का कहना है उनके पिता का संकल्प था कि भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में उनका भी छोटा सा योगदान और अंश यदि पहुंच जाए तो उनके और उनके परिवार वालों के लिए ये सौभाग्य की बात होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग का हक मार के जो है इन्होंने राम मंदिर के लिए दान दे दिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। बाबू ने 1 करोड़ दिया राम मंदिर के लिए, इसके परिवार बहुत खुश है इस मामला से। क्या आप लोग ने भी कुछ सहयोग किया इसमें? हाँ, हम लोग भी सहयोग किए, पूरी रजामंदी के साथ। हाँ, जो है डोनेशन दिया, सब मिलके किया गया, कोई एतराज नहीं होगा? नहीं नहीं कोई एतराज नहीं है इसमें। अब भगवान राम लला अपने मंदिर में स्थापित होने वाले हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसा महसूस हो रहा अच्छा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि इतने सालों बाद ये हो रहा है काम, रामलला का स्थापित होना मंदिर में। सियाराम के दान देने के निर्णय में उनका परिवार पूरी तरीके से उनके साथ था और जब पैसे कम पड़े तो बेटी बहू और उनके बेटे ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया और 1 करोड़ रुपए एकत्रित करके भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे दिए।